स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या आपने एक बारी भी अपने पुत्र की पसंद को पसंद करने की कोशिश की है? अबीरा के बारे में बात कर रहे हैं ना? बंसरी जी, आपको ये तो मालूम है कि आपके पुत्र को कौन सा रंग पसंद है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उसे कौन सी कुड़ी पसंद है। बलदेव ने ना वीरा के साथ खुद ही रिश्ता तोड़ा है और आपने उसे एक बारी भी जोड़ने की कोशिश नहीं की। बस पर बच्चे। सुनो, ऐ देखो, ऐना बलदेव के व्याह के लिए ना शेरवानी का कपड़ा पसंद किया है, ये शगुन पे पहनेगा और ये रंग ना व्याह के दिन सोना है ना, देखो ना। और तुम मुझे क्यों बता रही हो, व्याह बलदेव का है, मुझे बता के क्या फायदा है? ना फायदा क्यों नहीं, प्यो उसके आप, व्याह की हर चीज में आपकी सलाह तो होगी ना, आपके पूछे बिना मैं क्या भी कुछ कर लूंगी। और वैसे भी देख रही हूँ मैं, जब से व्याह तय हुआ ना मुंह सड़ा के बैठे हुए, ऐसे लगता है आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के मैंने हाँ कराई है ना। अगर आपको मेरे फैसले से ऐतराज था तो बोल देते ना कि हाँ बंसरी जी, मैनू आपकी गल जची नहीं, वैसे भी आपको तो मेरी कोई गल सही नहीं लगती। अब मुझे बचा। ओ बंसरी जी, इन्नी सी गल पे आपने इन्नी बड़ी कहानी सुना दी है। अच्छा दसो, कौन से कपड़े पसंद किए? ऐ देखो, और ये सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, बलदेव ने भी आप पसंद किए है। चलो चंगा है, आपके पुत्र को अपनी पसंद समझ आई। हाँ, वैसे अब ना उसे मेरी पसंद ना पसंद आने लगी है। अच्छा हाँ, आपकी शेरवानी का कपड़ा मैंने पसंद कर लिया था, और दर्जी को दे दिया, आपका नाप तो है उसके पास, वो बन के आ जाएगी। वैसे हाँ, गुंजन कह रही थी ना कि मुंबई में जब बड़ी बड़ी शादी होती है ना, तो उसमें कोई भी रस्म में ना सारे घर वाले एक रंग चुन लेते हैं और सब लोग ना एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये पूरा एक परिवार है। हम लोग भी ना ऐसे करेंगे बलदेव के व्याह पे, मैं तो सोच के इतनी खुशी हो रही की दसा। इस एक बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी आपको। क्या मतलब? बंसरी जी, हमारे जमाने में जब कोई चीज टूट जाती थी ना, तो उसे जोड़ के हम फिर से काम करने लायक बनाते थे, ना कि उसे बाहर फेंक के कोई नई चीज ले आते थे। ओए आजकल के रिश्ते क्या इन चीजों से भी छोटे हो गए कि अगर जरा सी दरार आई तो उस रिश्ते को भुला के कोई नया रिश्ता जोड़ लो। ये आप गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो, है की गल है? आपको इस गल की तो खुशी है कि आपके पुत्र को आपकी पसंद पसंद आई है, लेकिन क्या आपने एक बारी भी अपने पुत्र की पसंद को पसंद करने की कोशिश की है? अबीरा के बारे में बात कर रहे हैं ना? बंसरी जी, आपको ये तो मालूम है कि आपके पुत्र को कौन सा रंग पसंद है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उसे कौन सी कुड़ी पसंद है। बलदेव ने ना वीरा के साथ खुद ही रिश्ता तोड़ा है और आपने उसे एक बारी भी जोड़ने की कोशिश नहीं की। बस पर बच्चे। इसके बारे में ना हम पहले बात कर चुके हैं और बात खत्म भी हो चुकी है, और आपने खुद सिमरन के लिए हाँ किया था। अब पुराने जमाने में जो होता था वो पुरानी बात है, पहले हम खाना चूल्हे पे गर्म करते थे ना, पर आजकल तो गुंजन माइक्रोवेव में करती है, चीजें बदली है ना। वैसे हमें भी बदलना होता है, और टूटी हुई चीजों को संभाल के रखने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि नई चीजों को खरीदने में ज्यादा समझदार। सही कह रही हो जी आप। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।